नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम पूरे दिन की तैयारी करते हैं, 20 ऐसे कॉल्स आपको बताते हैं जो कि इंटरडे बेसिस पे जहां पे खरीदारी या तो फिर बिकवाली करने के मौके हैं। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं किस तरह के हैं। आज क्यूज सपोर्टिव है, एसजेएक्स निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहा है। एशियन मार्केट की शुरुआत जो है वो हल्की पॉजिटिविटी के साथ हुई है और यूएस में दो दिन से जो आईटी शेयरों की गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थमते हुए दिखी, जिस वजह से आधे से पौन परसेंट के आसपास से गेंस यूएस के मार्केट्स में बने और यही कारण है कि आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है ज्यादातर मार्केट्स आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। देखिए आईटी स्टॉक्स की जो गिरावट थमी है उससे यूएस के मार्केट्स में थोड़ी सी जो तेजी है वो बनती हुई दिखी और आज एफएमसी बैठक का फैसला भी आना जिसमें 1/4% से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन बॉन्ड पोर्टफोलियो जो है फेड का उसमें किस तरह से अनवाइंडिंग होगी, कितना गाइड करते हैं वो कि कितना बिकवाली करेंगे बॉन्ड्स की और उसकी समय सीमा क्या होगी, इसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए जो संकेत हैं वो कुछ खास नेगेटिव नजर नहीं आ रहे। चाइना के कुछ की डेटा पॉइंट्स आने जिसमें आईपीओ रिटेल बिक्री के आंकड़े आने हैं जिसका इंतजार आज एशियन मार्केट्स में साफ तौर पर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कल हमने जो प्रोविजन क्लोजिंग है वो 9600 के नीचे दी थी, उसके बाद आज जो क्यूज हैं वो रजत सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सपोर्टिव तो है लेकिन फेड पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला। कल भी लेटर हाफ में कुछ सरेंडर कर दिया मार्केट ने, लेकिन कुछ कोशिश की जाएगी कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रांग हो और टेक्निकल अभी भी पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो और वो आपकी कमाई करा सकते हैं। 20 ऐसे ट्रेड्स बताएंगे इस शो में, लेकिन सबसे पहले रीकैप देख लें जो कल ट्रेड्स आपको बताए गए थे उनका प्रदर्शन कैसे रहा, कि काफी कॉल जो थे खरीदारी की साइट पे थी और उनके टारगेट सेट हुए। डेल्टा कॉप मिसाल के तौर पे ये स्टॉक शुरुआती सत्र में बहुत एक्टिव हुआ। श्रेयस शिपिंग ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था, श्रेयस शिपिंग ही नहीं चला पूरे शिपिंग स्टॉक्स में, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक था कल के सत्र में। एमईपी इंफ्रा 5.5% के तगड़े रिटर्न स्टॉक ने जनरेट किए। मंगलम टिम्बर एक और स्टॉक जिसमें 5% से ज्यादा की कमाई हुई और सिम्फनी एक सौदा जो शुरुआती टिक्स में ही अपने लक्ष्य को हासिल करता हुआ नजर आया। तो वो तमाम स्टॉक्स थे जहां पर टारगेट हिट हुए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग दिखा उसमें तलवलकर, एचएसआईएल, शिवम ऑटो और साथ साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर मोमेंटम था। और एक सेक्टर था फिर से जो बस कर रहा था वो था टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां जिसमें मुरारजी टेक्सटाइल्स, इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग मिला, बतौर सुपर एड शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था। लेकिन आज अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो खरीदारी के सौदे ज्यादा होंगे पोर्टफोलियो में फिर से? बिल्कुल खरीदारी के सौदे ज्यादा होंगे, लेकिन हाँ बीच में एक दो सेल कॉल्स भी होने लाजमी हैं क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं काफी वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूएस के मार्केट से कल बड़ी राहत की बात है लेकिन एक बड़ा इवेंट है आज शाम को यूएस में, वहां से क्या अपडेट आएगा तो हो सकता है उससे पहले थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिले। बहरहाल मैं जो शुरुआत है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ ही करना चाहूंगा। कल आपने शिपिंग स्टॉक्स की बात करी, काफी अच्छी तेजी थी वहां पे, श्रेयस शिपिंग को मैंने उतारा था और आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें तेजी बन सकती है क्योंकि कल भी करीब 9% के आसपास गेन से लगातार हम देख रहे हैं। बीते दो एक से दो हफ्ते से लगातार जो शिपिंग स्टॉक्स हैं उनमें काफी अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे हैं और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो कि इनका की इंडिकेटर है वहां पे जिस तरह से रिकवरी हो रही है उसका इंपैक्ट शिपिंग स्टॉक्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से करीब 6.5% के आसपास की रिकवरी इस इंडेक्स में हुई और वैसे भी शिपिंग स्टॉक जैसे क्रूड के प्राइसेस में स्थिरता आ रही है और उसके साथ साथ इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें लगातार बढ़त आ रही है। बीते महीने में भी करीब 20% के आसपास की बढ़त थी तो अपने आप में दर्शाता है कि शिपिंग एज अ इंडस्ट्री में फिर से जो रिवाइवल जो रिकवरी है वो देखने को मिली। तो उसी को आप देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इनके जो नंबर्स हैं उसमें भी बीते दो क्वार्टर से काफ़ी अच्छे जो स्ट्रांग मोमेंटम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि दिग्गज कंपनी है पूरी स्पेस की, इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। 83 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, 77 रुपीज़ का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और काउंटर जो कि कल के कमजोर बाजार में काफी ज्यादा एक्टिव था वो है पावर ग्रिड का शेयर। देखिए कल आखिरी घंटे में कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स इस काउंटर में देखने को मिली थी। बाजार भले ही कमजोर था, प्रोविजनल क्लोजिंग 9600 के नीचे थी, लेकिन ये इंडेक्स से कंस्टिट्यूट होने के बावजूद देखिए 2% के आसपास के अपमूव लेके काउंटर बंद हुआ था और कल जो बड़े ब्लॉक डील्स हुए थे उसके बाद इनफैक्ट इस पर जो तेजी है वो बढ़ती हुई दिखी थी। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कुछ बड़े जो फंड हाउसेज हैं या तो फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी ओर से इस काउंटर में लो लेवल्स पर जो एक्युमुलेशन है वो देखने को मिल रहा है। नंबर्स काफी स्ट्रांग थे और आने वाले समय में जिस तरह से इनकी कैपिटलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हो सकता है जो अर्निंग्स प्रोफाइल है वो और भी इंप्रूव होता हुआ दिखे। तो शायद उसी को स्टॉक जो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए 218 रुपये का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 208 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। पावर ग्रिड इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी ये अपने सीरीज के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं एक बाय कॉल वैसे भी निकल के आती है, कोई भी डिप में पोटेंशियल कैंडिडेट है खरीदारी करने का। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में पहला ट्रेड जो है वो है शांति गियर्स का जिसमें खरीदारी बन सकती है। 143 तक के लक्ष्य ओपन है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, 2017 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और 2 सत्रों से यहां पर लगातार वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो टेक्निकली बाइंग कॉल है। इनफैक्ट ये जो महीना शुरू हुआ है इसमें 2 शेयर्स शांति गियर्स और भारत गियर्स दोनों पर ही मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, तो ये मोमेंटम कॉल होगी जिसमें 137 का एक स्टॉप लॉस आपको कैरी करना होगा और 143 तक के टारगेट्स
शांति गियर्स पे आज के सत्र में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल भी अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिली थी। एक सेक्टर जो बस कर रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रियल एस्टेट प्ले, जिसमें कोल्टे पाटिल मैं समझता हूँ कि आज के सत्र में भी एक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट रियल्टी स्टॉक्स पे ही आज मैंने ज्यादा बैट लगाई अपने पोर्टफोलियो में, रियल्टी शेयर्स पे खरीदारी है और ये जो स्टॉक है सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है और पूरा ही सेक्टर सरप्राइज कर रहा है फिर से। निचले स्तरों से खरीदारी जो इमर्ज हो रही है और जो भी पॉलिसी सरकार की रणनीति है वो इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर तेजी इन सभी स्टॉक्स पे एक्सपेक्टेड है, खासतौर से छोटी मझौली कंपनियां हैं जहां पर रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले समय के लिए बहुत स्ट्रॉग है, उनको ज्यादा चेज किया जा रहा है। ट्रेडर्स एक्टिव है कोल्टे पाटिल में, 2.5% का मूव कल के सत्र में, लेकिन आज तेजी बढ़ी तो 188 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180.5 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे कोल्टे पाटिल पे लगाकर चलना है। रियल एस्टेट के अलावा एक और पैक जो कि काफी ज्यादा एक्टिव था कल, वो है जो छोटे बैंक है, खासतौर पर जो निजी बैंक है, डीसीबी बैंक जैसे, उनमें कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। देखिए कमजोर बाजार में भी छोटे मझोले जो बैंक है उनमें काफी अच्छे खरीदारी के मूव्स देखने को मिले थे और औसत से करीब 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ कल इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा। देखिए आरबीआई लगातार बैंकों के लिए इनके जो एनपीएस है उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए स्टेप्स ले रही है और कई सारे ऐसे अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं अब जिसमें एनपीएस जो कि बड़े पैमाने पे बैंकों के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए हर मुमकिन कोशिश जो कि आरबीआई की ओर से बैंकों के लिए की जाएगी उसका निजी बैंकों पर और खासतौर पर जो छोटे मझोले बैंक हैं उनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। आज के लिए मुझे लगता है ये पॉजिटिव ट्रिगर इस बैंक के लिए काम करेगा। 210 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 204 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। जेन टेक्नोलॉजीज होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ये शेयर निचले स्तरों से काफी स्ट्रांगली पुल बैक मोड पे है और 4 महीने की गिरावट के बाद इसमें कल के सत्र में खरीदारी बनती हुई नजर आई, अच्छी तेजी में और काफी समय से रिटर्न्स जनरेट नहीं किए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके की विजिबिलिटी और ऑर्डर बुक बढ़ने की जो उम्मीद है वो काफी बेहतर इस कंपनी के लिए बताई जा रही है। आज के लिए अगर खरीदारी करते हैं 57.5 का एक टारगेट रहेगा, 54.8 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी देखने को मिल सकती है। तो 6 ट्रेड्स आपको बता दिए गए पर ऐसे 2 ट्रेड्स जो आपके पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रांगली कमाई करा सकते हैं। आज के ईपीएस शेयर देखते हैं। बतौर ईपीएस शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है पटेल इंजीनियरिंग को। देखिए वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले हो रहा है मार्केट पे, काफी स्ट्रांगली ग्रिप में है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स। ये स्टॉक अभी तक इतने स्ट्रांगली रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल के सत्र में जो बाउंस बैक मिला है उसमें इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स क्रॉस हुए, 50 दिन की एवरेज को क्रॉस किया। इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स पे वैसे ही खरीदारी देखने को मिल रही है और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। कल के सत्र में भी काफी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां थी जो बाजार पे पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और ये इंटरेस्टिंग है कि बाजार जिन लेवल्स पे खड़ा है उसके बावजूद रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो है वो लगातार बेहतर रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल रख रही हैं। आज के लिए पटेल इंजीनियरिंग अगर आप खरीदते हैं, अभी तक नहीं चला, आज चला तो 94 तक के टारगेट्स ओपन रहेंगे, 87.5 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाकर चलना है पटेल इंजीनियरिंग। कैपिटल गुड स्पेस से बीजिया एनर्जी एक ऐसी कंपनी जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्ले नजर आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज तो काफी अट्रैक्टिव है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए बीते 4 साल में इनका जो कर्ज है उसमें करीब 25% के आसपास की कमी हुई है, अब 2400 करोड़ से घटकर 1800 करोड़ रुपये पहुंचा है। मौजूदा ऑर्डर बुक अगर आप देखें 10,500 करोड़ रुपये के आसपास की है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद बीते 10 महीने में ही करीब करीब 8,500 करोड़ रुपये के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं वो इस कंपनी के हाथ लगे हैं, तो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से कैपिटल गुड स्पेस में जहां ये कंपनी ऑपरेट करती है खासतौर पर पावर प्लांट्स के लिए, एक तो ये ईपीसी सेवाएं देने का काम करती है और उसके साथ साथ बॉयलर और टर्बाइंस और जनरेटर्स सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। तो उसमें जिस तरह से ऑर्डर बुक में ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, यहां से जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है इस कंपनी की बेहद स्ट्रांग है और उसके साथ साथ जो हाल फिलहाल में ऑर्डर बुक को लेकर कंसर्न्स थे शेयर की जो पिटाई हुई है उसके बाद जो वैल्यूएशंस हैं वो इन स्तरों पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 200 तक के जोन्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप आज के लिए उतरें तो 160 के टारगेट्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। कैपिटल गुड स्पेस में ये एक ऐसी कंपनी है जो कि वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती अब भी नजर आ रही है, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं आज के लिए। चलिए स्टरलाइट टेक होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी करने आज मौका है क्योंकि आज तेजस नेटवर्क का आईपीओ खुल रहा है, मच अवेटेड आईपीओ है और ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्क कारोबार में है ये कंपनी। तो गोइंग फॉरवर्ड जो इस सेक्टर से जुड़ी जो तमाम कंपनियां हैं वहां पर तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें स्टरलाइट टेक प्रोमिनेंटली स्टॉक पे आज नजर रहेगी। टारगेट्स आज के लिए ओपन है 160 के जो आपको अपने रडार पर रखने हैं, 153 का एक स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए लगाना होगा और इसमें भी खास बात यह है कि काफी समय से रिटर्न जनरेट नहीं किए, एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, लेकिन आज निकला तो काफी स्ट्रांगली खरीदारी हो सकती है स्टॉक में। 160 तक के टारगेट स्टरलाइट टेक पे और स्टॉप लॉस 153 का कैरी करें।
कल आखिरी घंटे में टायर शेयरों पे एकाएक हमने देखा था जो बिकवाली का प्रेशर है वो बढ़ता हुआ देखा था। पोलो टायर्स में अगर आप देखें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो शॉर्ट पोजिशन है वो कल बनती हुई दिखी थी, 2% के आसपास की कमजोरी लेके काउंटर बंद हुआ और ऊपरी स्तरों से करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। ना केवल अपोलो टायर्स बाकी सभी टायर स्पेस की जो कंपनीज है उनमें कल ऊपरी स्तरों से प्रेशर लास्ट आर ऑफ ट्रेड में देखने को मिला था, तो आज भी जो प्रेशर है वो शायद कंटिन्यू रह सकता है। कुछ खराब खबर आने की आशंका है इस पूरे स्पेस को लेकर, जिस वजह से हमने देखा एकाएक प्रेशर कल लास्ट आर ऑफ ट्रेड में देखने को मिला था। अपोलो टायर्स में जिस तरह की हाल फिलहाल तेजी बनी है अब मुनाफा वसूली यानी लाजमी नजर आती है। आज के लिए जो स्टॉप लॉस है आपका ऊपर की ओर 258-259 के आसपास होना चाहिए, 248 तक के जो जोन्स हैं वो नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है आपका इस ट्रेड में 259 के आसपास या 260 के आसपास होना चाहिए, 248 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। चलिए अगर अभी तक आपने ट्रेड्स नोट नहीं किए हैं तो आपको 10 ट्रेड्स बता दिए गए हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। शुरुआत जो मैंने की है अपने पोर्टफोलियो में वो शांति गियर्स के साथ की है, स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी गियर्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं ऑटो एंड प्ले काफी स्ट्रांगली हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल गियर सेगमेंट भी काफी स्ट्रांगली खरीदारी दो स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, शांति गियर्स और भारत गियर्स दोनों में ही तेजी है। शांति गियर्स आज के लिए 70 के लिए खरीदते हैं तो 143 का टारगेट रहेगा, 137 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। रियल्टी स्पेस में काफी स्ट्रांगली ग्रिप बन रही है फिर से, जिसमें कोल्टे पाटिल इसमें 188 का टारगेट होगा, 180.5 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं और रियल एस्टेट प्ले अगर यहां से और तेज हुआ तो कोल्टे में खरीदारी और बढ़ सकती है। जेनटेक इस स्टॉक पर निचले स्तरों से इनफैक्ट 4 महीने की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, 57.5 के टारगेट के लिए आज ट्रेड ओपन कर सकते हैं, 54.8 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। टेक्निकल बाय कॉल है इसलिए भी क्योंकि इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस जो है वो चार्ट पे विजिबल है, यहाँ से काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आ सकता है, बहुत बीटन डाउन चार्ट स्ट्रक्चर है जेनटेक का। इसके अलावा ईपीएस शेयर जो मैंने आज अपने पोर्टफोलियो में उतारा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्पेस से जुड़ी कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग, जिसमें खरीदारी करने का मौका है। अभी तक इतने स्ट्रांग रिटर्न जनरेट नहीं किए लेकिन कल के सत्र में इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है, आने वाले समय के लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट स्ट्रांग है, 94 का टारगेट पटेल इंजीनियरिंग पे लगाकर चले, 87.5 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। स्टरलाइट टेक इसलिए क्योंकि आज से तेजस नेटवर्क्स का आईपीओ खुल रहा है, ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्क कारोबार में है कंपनी। स्टरलाइट टेक जैसे स्टॉक्स आज ट्रेडर्स चेस करेंगे, 160 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 153 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कल काफी ज्यादा एक्टिव था, 9% के आसपास ही गेंस थे, पूरे शिपिंग शेयरों में काफी अच्छी तेजी कल देखने को मिली थी। आज भी यहाँ पे जो तेजी का रुझान है वो देखने को मिल सकता है, 83 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे खरीदारी करें, टारगेट लेके चलें और 77 रुपीज का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। बाल्टिक ड्राई इंडस्ट्रीज से रिकवर कर रहा है, इस पूरे स्पेस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। पावर ग्रिड कल बाजार कमजोर था लेकिन यहाँ पे कल बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही थी लास्ट आर ऑफ ट्रेड में और उसके बाद इसमें एकाएक तेजी बनती हुई दिखी, आज भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है, 218 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 208 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा मिड कैप बैंक खासतौर पे जो निजी छोटे मझोले बैंक हैं उनमें कल काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, डीसीबी बैंक में आज भी जो मोमेंटम है जारी रह सकता है, 210 का टारगेट लेके चलें, 204 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। बतौर ईपीएस कैपिटल गुड स्पेस से बीजीआई एनर्जी, यहाँ पे वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है 10,500 करोड़ रुपये की और 4 साल के लंबे अंतराल के बाद बीते 10 महीने में करीब 8,500 करोड़ रुपये के ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगे हैं। अब जिस तरह से इस कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, 10,500 करोड़ रुपये की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बेहद स्ट्रांग है। आज के लिए यहाँ पे 160 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें और चाहें तो लॉन्ग टर्म या तो फिर पोजिशनल कॉल के तौर पर भी इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। उसके साथ साथ अपोलो टायर कल लास्ट आर ऑफ ट्रेड में एकाएक बिकवाली का प्रेशर पूरे टायर स्पेस में बनता हुआ देखा था, आज भी ये जारी रह सकता है, कुछ खराब खबरें आने की आशंका है जिस वजह से एकाएक पूरे स्पेस में बिकवाली कल दिखी थी। अपोलो टायर में आज के लिए 248 रुपये का टारगेट लेके चलें और जो स्टॉप लॉस है आपको 260 रुपये पर सेट करना है, यहाँ पे 256 आपको नजर आ रहा है, 260 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए 10 ट्रेड्स आपको बता दें कि ज्यादातर कॉल जो खरीदारी की साइड पे हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं लेकिन कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद 2 सुपरहिट शेयर्स भी होंगे जो आपको पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं।